स्पीड में सभी को जय हिंद जय भारत। बोलो भारत माता की जय। तो पहले भी एक बच्चा आया था जो 6 बार भर्तियों में रह गया। कितनी बार? 6 बार। स्पोर्ट से हर चीज से आज वही सेम है। ये महेंद्र है नागौर से और इसका चेस्ट जो है, चेस्ट में ये 2 बार आउट हुआ है। दोनों बार इसने एक्सीलेंट मारी है नागौर भर्ती में स्टेडियम में, और रनिंग अभी भी बहुत शानदार है, लेकिन चेस्ट जो है इसका 1 सेंटीमीटर जो है कम है, 1 कम है, 76 है। अभी आज की डेट देख लो और इसका नेक्स्ट वीडियो भी लगाएंगे। अभी इसका 76 है और फुलाने में भी दिक्कत आ रही है। फुला के बता एक बार। तो अब चेस्ट फुलाया कैसे जाता है वो भी आपको बता देते हैं। आपको ये साइड से पूरी एक्टिविटीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप खड़े खड़े भी जैसे नॉर्मल खड़े हैं 8 से 9 सेंटीमीटर आसानी से फुला सकते हैं। जैसे खड़े ऐसे तो नॉर्मल सांस लो, ऐसे चुप तो रह ही नहीं सकते, नॉर्मल सीधे खड़े रहो। लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। बिना प्रैक्टिस आप चाहते हो कि आपका हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नीचे बैठ जाओ, सीधे बैठे हो तो सांस नॉर्मल लेके भी ऐसे फुला सकते हो आप। ये पूरा आ सकता है आपका, लेकिन ये प्रैक्टिस है। अब इसमें यहाँ ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा करने में दिक्कत थोड़ी है, आसानी से भी फूल सकता है ऐसे। हवा पेट की बजाय चेस्ट में भरना है। और एक चीज याद रखो, हमेशा चेस्ट जो पेट है वो चेस्ट से हमेशा अंदर होना चाहिए। अब दूसरा, इधर एक बार खड़ा हो, सांस सिर्फ चेस्ट में भर और भर, अरे ऊपर, और एक तो तेरे तरीके तेरे स्टाइल से करके दिखा। अब वापस नॉर्मल छोड़, हाथ वाथ मत ला, सीधा सांस ले अंदर नाक से। अब ज्यादा और अब तेरे तरीका दिखा। एक्टिविटीज करने से मसल्स ऊपर आएगी, ये लो ऐसे आ गया, लेकिन चेस्ट पूरा नहीं हुआ। इसमें सांस भरना सीखो। अब इसकी नॉर्मल एक्सरसाइज है, टाइम आ गया। अब तो चेस्ट फुला के बता, नहीं आता फुलाना 1% भी। हाथ सीधे कर, अटेंशन में खड़ा हो और सांस भर अंदर और ज्यादा। अभी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी इसकी भी। अब इसकी 2 ही चीजें हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पहले का भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देते हैं तो मुझे मिल गया, तो आपको भी आप देखने को मिल जाए। दूसरा, चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो नॉर्मल, इसका नॉर्मल सा है, दोनों हाथ यहाँ कमर पे लगा के आप खड़े हो जाओ और नॉर्मल मुट्ठी भी बंद कर सकते हो करके नीचे झुक के सांस लेना। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि भर्ती में आपका नाप रहे हैं और आप तब देख रहे हो। प्रैक्टिस करनी है, दोनों मुट्ठी बंद करो और साइड से ऐसे सांस लो और इसको होल्ड करके रखो जब तक आप रख सकते हो। उसके बाद में नाक पे आसानी से उंगली रखे, वापस इसे छोड़ दो, फिर वापस नीचे झुको और पूरा चेस्ट में लेना है। मुट्ठी बंद कर और नीचे से सांस भर चेस्ट में झुक के, कंटिन्यू होल्ड करके रख, इसको छोड़ना नहीं है। अब नाक पे उंगली रखो और फिर छोड़, वापस नीचे झुक। ये सबसे सिंपल तरीका है चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस करने का। इसे जितना ज्यादा हो सके 25, 30, 40 सेकंड तक, 50 सेकंड तक उतना होल्ड करके रखो, जितना स्पेस बनेगा। धीरे धीरे आपकी ऐसी हैबिट हो जाएगी, आपको ना हाथ हिलाने की आवश्यकता है ना चेस्ट, बस सीधा सिंपल सा सांस लोगे इसे और चेस्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई हार्ड नहीं है कि इसके लिए आप अलग से कुछ करो। लेकिन अगर चेस्ट कम है तो पहले थोड़ा डिप्स मार लो। इधर से आ रही थी ये बक्सों की बंदी। तो इस महेंद्र का भी चेस्ट आप देखना अभी कितनी फुलावट है, आगे कितनी होती है। और उम्मीद करते हैं आपकी भी अगर 2-3 भर्तियां निकल चुकी है जिनमें आप चेस्ट में आउट हुए हो तो वो आपकी गलती है। अदरवाइज शरीर है अपना, जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं, जब चाहो पतला कर लो, जब चाहो बढ़ा लो, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है रे, और मेहनत में कोई कमी है अपने। अब मेहनत कर रहे हैं तो इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, इसकी ये लास्ट भर्ती है। अगर बात चेस्ट की है तो चेस्ट में ये फिट होगा, ये मेरी गारंटी है। ओ भारत माता की।